सूबे वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह सिंध बजट के आवाम दोस्त बजट कोठींदे है तो वफाकी सरकार आवाम का बिन वेलन जो गभो भी खसे वरतो है। घाटे ट्रोड़ महंगाई आवाम की चेल हिच भी कर छी है। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे नासिर हुसैन शाह तो आम वापे की शयन जो मुल आसमान से गाल है। उन्होंने तो वफाकी सरकार गैस बिजली ए पेट्रोल महंगो कर आवाम का जीण जो हक खसे रही है। नासिर हुसैन शाह जो चवण हो तो गुजल साल की बजट में वफाकी हुकूमत 25% घट रकम दिनी जदें त वफाकी हुकूमत इन बजट में भी सिंध के बेन सूबन का घट रकम दिनी है। सिंध के मकानी इदारन वे वजीर नासिर हुसैन शाह त मुल्क के बेन सूबन की भेट में सिंध अंदर वधिक तरक्की थी है पर सिंध की तरक्की मुखालफन के नजर न अची रही है। उन्होंने तो सिंध सरकार बेहतर बजट पेश कई है। मुलाजमन की पघार में 20% वाध कई है। हर शहर लाए तरक्याती स्कीमू दिन्न सिंध के इतलात वे वजीर नासिर शाह कौम परस्त सियासत भले कन पर कंजे भी खिलाफ न गल MQM जे अज भी सागे माजी वारी सियासत है। एम्प्लॉइज की तनख्वाहें जो हैं 20% बढ़ाई गई, हालांकि हर साल हम ये तनख्वाहें बढ़ाते हैं। वफाक ने पहले नहीं बढ़ाई, इस दफा उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने 20% नहीं बढ़ाए। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खसूसी हिदायत पर एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों में ये इजाफा किया गया। फिर जो मिनिमम वेजेस हैं, जो आम मजदूर या जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी कम से कम तनख्वाह कह लें, उजरत कह लें, उसको 25,000 तक कर दिया गया, 17,500 से बढ़ाकर, क्योंकि महंगाई इतनी है। और इसलिए इन बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद हमने ऐसा किया। और तरक्याती कामों में अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन जितनी भी तहसीलें हैं पूरे सूबे की, या तालुका कह लें या तालुके तहसीलें, उन सब में आपको स्कीम्स मिलेंगी।